फुल्टी बैक्ड स्किन ऑइलमेंट जो कि बनाई जाती है जीएसके के द्वारा बनाई जाती है। इसके अंदर फ्लूटोकोनाजोल प्रोप्योनेट इसके अंदर 0.005% वेट बाय वेट रहता है, और इसके अंदर मुप्रोसिन ऑइलमेंट 2% वेट बाय वेट रहता है, और ये 236 रुपीज़ का ये क्रीम रहता है और 10 ग्राम में ये अवेलेबल रहता है। तो ये क्रीम जो कि ट्रीटमेंट करती है स्किन के इन्फेक्शंस का, ये ट्रीटमेंट करती है। तो इस वीडियो में मैं इसका यूजर्स बेनिफिट साइड इफेक्ट कैसे यूज होता है, ड्रग कैसे काम करेगा, सेफ्टी एडवाइस क्या रखने का है, डोज मिस हो जाए तो कैसे लगाने का, और इसका सब्सटीट्यूट कौन कौन सा अवेलेबल है, तो वो सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा ताकि आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो ये वीडियो केवल एंड केवल मेडिकल स्टूडेंट और हेल्थ केयर स्टूडेंट के एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो कोई भी मेडिसिन या कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। फुल्टी बैक्ड ऑइलमेंट जो कि बनाई जाती है जीएसके के द्वारा बनाई जाती है, फुल्टीकोनाजोल प्रोप्योनेट 0.005% वेट बाय वेट रहता है, और मुप्रोसिन इसके अंदर 2% वेट बाय वेट रहता है। 236 रुपीज़ का ये ऑइलमेंट रहता है जो कि 10 ग्राम का एक ऑइलमेंट है जो कि ट्रीटमेंट करता है स्किन के इन्फेक्शंस का, ये ट्रीटमेंट करता है। इसके अंदर दो दवाई डाली गई है, फुल्टीकोनाजोल प्रोप्योनेट एंड मुप्रोसिन जो कि ट्रीटमेंट करता है इन्फेक्शंस का स्किन के। फुल्टीकोनाजोल प्रोप्योनेट एक स्टेरॉइड्स है जो कि क्या करता है कि ब्लॉक कर देता है सर्टन केमिकल मैसेंजर प्रोस्टाग्लैंडिन को, जिससे स्किन लाल नहीं होती है, सूजन नहीं आती है, इच्छी नहीं होती है। मुप्रोसिन एक एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया के सेल्स मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करता है, जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन और स्किन के इन्फेक्शंस का ट्रीटमेंट होता है। तो ऐसे काम करती है ये ऑइलमेंट। इस ऑइलमेंट के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पे पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो अब तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।